राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय एक। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय एक। अहज्या की मृत्यु। अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया और अहज्या एक झिलमिलीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा कि तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नाम देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहा, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुमसे यो कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। जब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो। उन्होंने उससे कहा कि एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और उसने कहा कि जिस राजा ने तुमको भेजा उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यो कहता है कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही उसका कैसा रंग रूप था। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुआ था। उसने कहा, वह तिशबी एलिया होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 500 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि फुर्ती से तू उतरा। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और मेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50-50 सिपाहियों के जो दो प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उसने कहा, यहोवा यो कहता है कि तूने तो एक्रोन के बालजबू देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके। इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया और उसके संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अहज्या के और काम जो उसने किए वह क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं?